हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक इन बुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हांडी चिकन बनाने की रेसिपी। तो नॉर्मल तरीके से चिकन तो आप कई बार बनाते होंगे, एक बार मेरी इस रेसिपी से चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होता है। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स चिकन लिया हुआ है, इसे मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने नमक ऐड किया टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे, एक नींबू का रस ऐड कर रहे हैं, और फिर इसमें 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर ये सारे ही मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप चिकन को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, सारे ही मसाले अंदर तक लग जाए। देखिए, हमने सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है, इसे रख देंगे ताकि हमारा चिकन अंदर से बहुत ही जूसी सा बन के तैयार हो, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और फिर आधे घंटे के बाद यहाँ एक पैन में मैं आधा कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिए थे मिक्सी में डालकर, और फिर ये सारे ही प्याज को हमने ऑयल में डालने के बाद अच्छे से फ्राई करना है, यानी कि प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि इसमें किसी भी तरह से कच्चापन वगैरह ना रहे। तो इसे 4 मिनट के लिए मैं इसी तरह भूनते रहूँगी, जब तक इसका इस तरह से हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक इसे भून लेना है। तो देखिए, यहाँ प्याज अच्छे से भून चुकी है, अच्छे से फ्राई हो गई है, थोड़ा सा इसका कलर इस तरह से चेंज होने के बाद हमने सारा चिकन इसमें ऐड कर लेना है। चिकन को ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हमने इसे हाई फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि हमारा चिकन में जितना भी पानी है वो सारा रिलीज हो जाए और चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी यहाँ पर मैं। एक बार फिर से स्टर करेंगे, और चिकन को शुरू में है ना आपको हमेशा हाई फ्लेम पर ही पकाना है, तो इस पर ढक्कन लगाकर हम 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन अंदर तक जूसी और टेंडर हो जाए, अंदर तक ये गल जाए। तो देखिए, यहाँ पर इसने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है, और चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी होने लगा है, ये गलने शुरू हो गया है। तो एक बार जब चिकन गल जाता है, इसके बाद ही हमने इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड कर लेना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। बस बहुत ही माइल्ड से हमने मसाले ऐड किए, इसमें बहुत ज़्यादा हम स्पाइसेस वगैरह नहीं ऐड कर रहे, अच्छे से मिला लेंगे। और फिर मसाले ऐड करने के बाद एक बार फिर से हमने सारे चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है, ताकि हमारे मसाले पूरी तरह से अंदर तक पक जाए। और जैसे ये मसाले भुन जाते हैं, इसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, तो फ्लेम को हमने थोड़ा लो किया हुआ है। लो फ्लेम करने के बाद आधा कप दही ऐड कर रही हूँ, दही को अच्छे से फेंटने के बाद, स्मूथ करने के बाद ऐड कीजिए। और फिर एक बार फिर से हमने भून लेना है दही के साथ में, और इसे तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल नहीं रिलीज हो जाता है। तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पका लूंगी। देखिए, दही के साथ पकते हुए इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ऑयल सेपरेट होने लगा है, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू का पेस्ट। मैंने 7 से 8 काजुओं को पानी में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो जब आप काजू का पेस्ट ऐड करते हैं ना, इससे क्या होता है, हमारी ग्रेवी का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, साथ ही में ये बहुत ही रिच और क्रीमी बन के तैयार हो जाती है। अच्छे से स्टर कर लेंगे, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, 2 से 3 मिनट इस तरह से पकाएंगे। और फिर जैसे ये पक जाता है, इसके बाद मैं ऐड कर लूँगी क्रीम। मैंने 1/2 कप फ्रेश क्रीम ली हुई है, अगर आपके पास घर पर दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारी ग्रेवी में। तो देखिए, यहाँ पर ग्रेवी हमारी बहुत ही रिच और क्रीमी से बन के तैयार हुए। इसे ढक्कन लगाकर मैं अगले 3 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये चिकन हांडी वाला चिकन बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बन के तैयार हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, फ्लेम को लो करके छोड़ दिया है, और यहाँ पैन में 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, इसमें मैंने ग्रीन और रेड वाला शिमला मिर्च लिया हुआ है, थोड़े से हमने अदरक के लच्छे भी ऐड किए हैं, और इसे 2 मिनट के लिए बस इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का सा शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ये सारे ही शिमला मिर्च को हम चिकन में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से क्रश किया हुआ कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, अगर आप पहले ऐड कर देते ना तो उसके सारे फ्लेवर्स उड़ जाते हैं,
लास्ट में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारे चिकन में। थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड किया है। अच्छे से स्टर कर लेंगे और ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार इसकी ये ग्रेवी बन के तैयार होती है। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी से चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होता है। तो नॉर्मल तरीके से तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार इस तरह से बनाकर खाइए लंच के लिए, डिनर के लिए, और अपने आने वाले मेहमानों को भी आप ये सर्व कर सकते हैं। तो हमारा आप चिकन पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ करके हम इसे साइड में रख देंगे और इसके साथ हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है पराठा, बहुत ही अमेजिंग वे बन पराठा इसके साथ लगता है। तो चिकन तैयार है, साइड में रखते हैं और फिर इसके लिए पराठे तैयार करते हैं, जिसके लिए मैं 250 ग्राम्स मैदा ले रही हूँ। मैदे में ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप ऐसे चीनी के क्रिस्टल्स ऐड कर दें या फिर पाउडर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और एक अंडा मैं ऐड कर रही हूँ, इससे हमारे पराठे अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा 1/4 क्वार्टर चम्मच ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे पराठे अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध ऐड करूंगी और इसका हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जब दूध में इस आटे को गूंदते हैं ना तो पराठे हमारे एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसे मसलते हुए, अच्छे से पंचेस लगाते हुए बिल्कुल चिकना सा हमने आटा तैयार कर लेना है। तो इस चिकन को आप इन पराठों के साथ भी ज़रूर बनाइए, ये पराठे इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इसे मसल मसल के रेडी कर लेना है और फिर इसके सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके मैं 5 से 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। उसके बाद हमने इसके पराठे तैयार करना है। तो देखिए 10 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से सेट हो गया है। इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इसे हमने बिल्कुल फ्लैट सा बेल लेना है, बहुत पतला सा लंबा सा इस तरह से हम बेल लेंगे। तो शेप का हमने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना है, कैसे भी आप इसे बेल लीजिए, बस हमें इस तरह का लंबा और पतला सा इस पराठे को बेल लेना है। और फिर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसके दोनों साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर लास्ट में इसे इस तरह से रोल कर लेना है। तो इस तरह से जब आप ये पराठे बनाएंगे ना, ये बहुत ही लेयर्स वाले बन के तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो ऑयल का यूज़ थोड़ा सा इन पराठों में ज़्यादा यूज़ होता है, अंदर लेयर्स में आप जितना ज़्यादा ऑयल बनाएंगे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये पराठा सॉफ्ट और मज़े का बनता है। और फिर इसे हाथों की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट सा होता है तो बहुत आसानी से फ्लैट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है। तो यहाँ हमारा पराठा तैयार है और फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं इस तरह से इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। सारे पराठों को हमने इस तरह से पैन में ऐड कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और फ्लेम को आपको ना लो ही रखना है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ये पराठों को मोटा बनाया है तो ताकि ये अंदर तक पकना चाहिए, इसलिए हमने फ्लेम को लो रखा हुआ है। और लो फ्लेम पर हम इसे दोनों ही साइड से इस तरह से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे ताकि इस पर इस तरह के स्पॉट्स आ जाए दोनों ही साइड से। तो 1 से 2 बार मैंने पलटते हुए इन पराठों को तैयार किया हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और मज़े के बन के तैयार होते हैं ये पराठे। तो देखिए दोनों ही साइड से अच्छे से मैंने सेक लिया है और इसे इस तरह से हल्का सा क्रश कर लीजिए चूर चूर की तरह। तो देखिए इस तरह के इसमें लेयर्स बन के तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार हमारे पराठे बन के तैयार हो गए। तो आप किसी भी तरह के चिकन के साथ भी इन पराठों को बनाकर सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आइए आप चिकन को सर्व कर लेते हैं। इस चिकन को आप नान के साथ, बटर नान के साथ या फिर राइस के साथ बनाकर भी खा सकते हैं, और फिर या तो आप ये जो पराठे हमने बनाए हैं इसके साथ भी खा सकते हैं। तो आइए इसे पराठों के साथ सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग हमारा ये चिकन बन के तैयार होता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।